we experienced yesterday, whatever the Friday, the first day of the 48th Jalsa Salana, Germany, where His Holiness, may Allah be His helper, addressed the attendees of the 48th Jalsa Salana and really took part virtually, but took part in the proceedings and then kicked off the proceedings. And it was such a nice atmosphere to see in the main marquee as well, filled with people wearing white dresses to show full obedience towards their master, their spiritual master, His Holiness. It was just a nice sight to see, and also so many people flocking in a proper manner, well behaved, and showing that love and friendship and spirituality we always think about and speak about as well, and thinking about friendship, Mudabbir, how is your well behaved friend actually doing? Which friend? कौन से दोस्त की बात कर रहे हैं आप? I mean, a very good friend of yours. He was on a tour recently, went traveling, I think, did a tour through Europe as well. अच्छा, वो दोस्त. Yeah, exactly. डॉक्टर बबलू की बात कर रहे हैं. डॉक्टर बबलू से तो मैं सच बताऊँ, मेरी जब से वो वापस आए हैं मुलाकात ही नहीं हुई. मेरा ख्याल है वो आज जलसे पे आने वाले थे. अच्छा, कोई नाराजगी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई नाराजगी नहीं है. फोन पे बात होती रहती है, वीडियो के वो मैसेजेस भेजते रहते हैं हमें, लेकिन मुझे उम्मीद है वो पहुंचने वाले होंगे अब. ठीक है, तो फिर देखते हैं. लेट्स हैव अ लुक हाउ द वेयर डॉक्टर बबलू इज एंड हाउ ही इज डूइंग. दुनिया है ये बच्चों की, है बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रस्ता. पेरिस का आईफिल टावर, वहाँ के फ्रेंच के पराठे, स्विट्जरलैंड के बड़े बड़े पहाड़ियाँ, इटली की आइसक्रीम, और हाँ, सबसे अच्छा सफर तो लंदन का था ना, प्यारे हजूर के करीब. अल्हम्दुलिल्लाह, क्या ही खूबसूरत दुनिया हमें अल्लाह ताला ने दी है. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह. मगर अब तो यहाँ जर्मनी में हूँ और यहाँ बहुत ही जरूरी काम करने हैं. चलो चलते हैं. यार, अभी घर पहुँचा ही हूँ, कौन आ गया है? ये दुनिया आराम नहीं करने देती, कोई कदर ही नहीं कि मैं इतना बुजुर्ग हूँ. ओ, मेरे लिए किसने चिट्ठी लिखी है? जज़ाकअल्लाह बच्चे. मोहतरम डॉक्टर बबलू साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. मैं, मुदब्बर भाई और बच्चे बहुत खुश होंगे अगर आप जर्नी में होने वाले जलसा सालाना में हिस्सा ले सकें. वस्सलाम, आपका दोस्त प्रोफेसर भोला. बच्चों, सच सच बताएं, आप भी तो बहुत खुश हैं ना कि जलसा सालाना जर्मनी आ रहा है. हम सारे मिलके अपनी रूहानियत को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अच्छी अच्छी तकरीरें सुनेंगे, और हाँ, बहुत सारे दोस्तों और अहमदी बहन भाइयों को भी तो मिलना है ना. बच्चों, ये बैग ने तो सारी दुनिया देख ली, अब ये भी मेरे साथ जलसे पर जाएगा. अल्हम्दुलिल्लाह, सारी चीजें जो मुझे चाहिए मैंने अपने बैग में रखनी है. वाह, बिस्मिल्लाह. दुनिया है ये बच्चों की, है बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आके खोलो, पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो. इल्म बढ़ाना मेरा यार, रब्बे जिदनी इल्मा. दुनिया है ये बच्चों की, है बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आके खोलो, पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो. इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा. अरे इकरा, आपको पता है कि डॉक्टर बबलू बच्चों की दुनिया सीजन 2 के लिए यूरोप की टूर से जर्मनी के जलसे पे आगे हैं? जी, और वो बता रहे थे कि उन्होंने प्रोफेसर बोला और मुदब्बिर भाई से भी मिलना है. अरे, हम तो बातों में ही लग गए, हमने तो बच्चों को सलाम ही नहीं किया. जी, तो बच्चों, या जैसे डॉक्टर बबलू कहते हैं, बचकान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. आज का ये प्रोग्राम बहुत ही खास है. बच्चों की दुनिया का एक खास प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं. हम ये प्रोग्राम जलसा सालाना जर्मनी से नशर कर रहे हैं, और आज के हमारे खास मेहमान होंगे जी डॉक्टर बबलू. जी बिल्कुल, डॉक्टर बबलू इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे.
मैं एक्साइटेड हूँ। ये जलसे का बहुत ही मुख्तलिफ है। अभी मैंने सारी जगह नहीं देखी, लेकिन पिछले सालों में तो बड़े बड़े हाल थे, कुछ दोस्त मिल ही नहीं रहे थे। और इस साल देखो कितने अच्छे टेंट लगे हुए हैं। जी इकरा, ये जगह तो बहुत ही मुख्तलिफ है। और वाकई में इधर आते ही तो मुझे कुछ दोस्त भी मिल गए हैं जिनसे मैं एक साल बाद मिला हूँ। सलमान, ये आपको पता है, ये भी जलसा का एक मकसद है, यानी एक दूसरे को मिलना और भाईचारे को बढ़ाना। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। मैंने कुछ बच्चों से पूछा था कि वो क्यों इस जलसे पे आते हैं, और ये है उनके जवाब। हजूर को देखने, कुल्फी खाने, हिरने, मैं पहले हजूर के साथ नमाज पढ़ने के लिए ड्यूटी करने, मैं कजन्स को मिलता हूँ, मैंने आलू गोश्त खाने, मुझे नहीं पता, नई चीज सीखने के लिए, कजन के साथ खेलने के लिए, मैं पानी की ड्यूटी करता हूँ, जैसे मैं हजूर को मिलूं। बच्चों ने कितने प्यारे जवाब दिए हैं। ये तो ठीक है, लेकिन क्योंकि हम अभी बच्चे हैं, हम शायद ये नहीं जानते कि जलसा असल में क्यों होता है। जी, आपको पता है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलातो वसलाम, जिनका हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसलम ने जिक्र भी किया था, ये जलसा उन्होंने अल्लाह ताला की खुशी के लिए काम किया था, और उन्होंने ही हमें भी बताया था कि हम ये जलसे पे क्यों आते हैं। जलसे के तीन दिन हम मुसलमान अहमदियों के लिए बहुत ख़ास दिन होते हैं। बड़े और बच्चे बहुत पहले से जलसे की प्लानिंग कर लेते हैं। क्या आपको पता है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जलसे में शामिल होने की क्या वजह बताई थी? सबसे पहले अल्लाह ताला को याद करना और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना है, और अल्लाह ताला के साथ अपनी मोहब्बत बढ़ाना है। हम इतनी ज़्यादा तादाद में बाजमात नमाज पढ़ते हैं और तकरीरें भी होती हैं। इन तकरीरों में हमें बताया जाता है कि कौन से काम अल्लाह ताला को पसंद है और हमें करने चाहिए, और कौन से काम अल्लाह ताला हमें करने से रोकता है, क्योंकि उनको करने से हमें ही नुकसान होता है। जब हम उन बातों को खामोशी से सुनते हैं और फिर अम्मी अबू से समझ कर उन पर अमल करते हैं, तो अल्लाह ताला हमसे बहुत खुश होता है। एक दूसरा बड़ा मकसद बच्चों ने भी बयान किया था, और वो ये है कि इस जलसे पर हम अल्लाह ताला के बंदों से भी मिलते हैं। जलसे पर बहुत से लोग होते हैं, हमें चाहिए कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे की मदद करें। बच्चे भी अपने से छोटे बच्चों का ख्याल रख सकते हैं और ड्यूटी भी दे सकते हैं। बस बच्चों, एक चीज़ हमेशा याद रखना, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमें ये भी सिखाया था कि ये जलसा कोई मामूली यानी कोई आम मेला नहीं है। इसमें हम लोगों से तो मिलते हैं, लेकिन हम हमेशा अल्लाह ताला को याद रखते हैं और अल्लाह ताला की ही बातें करते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनका खेलना भी अल्लाह ताला को पसंद है, क्योंकि अभी उनको पता नहीं होता कि क्या ठीक है और क्या नहीं। तो बच्चों, अब समझ आया कि जलसा का असल मकसद क्या होता है? इसमें कुछ बातें तो मेरे लिए भी नहीं थी, और मैं इंशाल्लाह ड्यूटी भी दूंगी। आपको पता है इकरा कि हमारा ये भी काम खिदमत यानी ड्यूटी है। अच्छा अच्छा, सलमान, आपको मैनिक में सबसे अच्छा क्या लग रहा है? मुझे ये अच्छा लग रहा है कि इधर ज़्यादा जगह है और सब कुछ खुला खुला है। भाई, अभी तो ये जगह बड़ी लग रही है। आपने कितनी अच्छी बात की है। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भी यही कहा था कि जगह छोटी से छोटी पड़ती जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला की जमात बड़ी से बड़ी होती जाएगी। दोस्तों, आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को कहा था कि वासे मकान का, जिसका मतलब है कि अपने मकान को बड़ा कर लो, यानी कि अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी थी कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मानने वालों की तादाद बढ़ती जाएगी और मेहमानों में भी तेज़ी के साथ इजाफा होगा। ये निशान जमी जमात ने भी देखा। जमी जमात का सबसे पहला जलसा सालाना 1975 में हुआ, जिसमें तकरीबन 70 अफराद शामिल हुए। ये जलसा हम्बो की छोटी सी फजल उमर मस्जिद में हुआ, और बचकान कुछ सालों के बाद ही जलसे में शामिलीन की तादाद 70 से 700 हो गई। उस वक्त ही लोग कहते थे, देखा, अल्लाह ताला ने जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को वादा किया था वो पूरा हुआ, लेकिन वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी। 1981 से 1985 तक जलसा सालाना जर्मनी फ्रैंकफर्ट के कुछ छोटे हॉल्स में होने लगा। तादाद फिर बढ़ती गई। 1985 में फिर जमात के जलसे ना सिर्फ बाह कोस के गांव में होने लगे, और ये जगह फिर जमात की भी हो गई।
1987 का जलसा जर्मनी एक बहुत ही खास जलसा था। इसमें पहली दफा हमारे एक खलीफा शामिल हुए, हजरत खलीफा तुल मसीह अल राबे रहमहुल्लाह तआला ने शिरकत की। 1989 में जमात अहमदिया के 100 साल पूरे हुए। उस जर्मनी के जलसे में 7000 से ज्यादा लोग शामिल हुए, पहले 70, फिर 700 और अब 7000। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के वादे के मुताबिक जर्मनी में भी जमात तेजी से बढ़ती गई। नासिरबाग अब छोटा हो गया, इसलिए 1995 मायमार्क मनहम में जलसा होने लगा। उस वक्त लोग समझते थे कि ये हॉल तो अब कभी भी छोटा नहीं हो सकता। माशाल्लाह, अल्लाह के फजल के साथ ये हॉल तकरीबन भर चुका है। कल जब परसों जब मुआयना हो रहा था, अमीर साहब ने मुझे कहा कि बड़ा अल्लाह का फजल है, बहुत बड़ा हॉल मिल गया है, बस अब फिक्र ये है कि भरेगा कैसे, बिल्कुल खाली खाली ना दिखाई दे। अब आप देख लें, उस एक कोने के सिवा जिसको अमदन इन्होंने शामिल नहीं किया, सारा हॉल किनारों तक भरा पड़ा है। अल्लाह इसी तरह आपको बरकत पर बरकत दे और हर बड़ा हॉल जो आपको मिले वो छोटा हो जाए। जमात अहमदिया जर्मनी को अल्लाह ताला हर साल गैर मामूली तरक्की की तौफीक अता फरमा रहा है और हर साल कदम आगे ही बढ़ रहा है। और जो जलसे के हॉल इतने बड़े लगते थे, एक बार फिर वो छोटे हुए। 10 साल से ज्यादा जलसा जर्मनी के शहर कालसू में होने लगा। तादाद अब 40,000 हो चुकी थी। 2023 में एक साल के लिए जलसा स्टुटगार्ट में भी हुआ। हॉल तो बहुत बड़े थे, लेकिन अभी वो इतनी बड़ी जगह भी जमात के लिए ठीक नहीं थी। और इस साल अब जलसा इतनी बड़ी जगह पे हो रहा है कि पहले जलसे की जगह तो इधर एक छोटा सा कमरा भी नहीं होता। प्यारे बच्चों, हमने आपको 50 ईयर्स की कहानी चंद ही सेकेंड्स में बता दी, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहले ही बता दिया था कि वासी मकाना का, अपने मकान को वासी और बड़ा कर लो। अल्लाह जानता था कि अल्लाह ताला की जमात बड़े से बड़ी होती चली जाएगी। तो बच्चों, हमने आप लोगों को बताया था ना कि डॉक्टर बबलू भी इस जलसे पे आए हैं। हम उनसे पूछे कि उनको ये जलसा कैसे लग रहा है। क्यों इकरा जी, मैं मिलाती हूँ। डॉक्टर बबलू, आवाज आ रही है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम सलमान, अस्सलाम वालेकुम इकरा और अस्सलाम वालेकुम बचकान। डॉक्टर बबलू, आपको जर्मनी का जलसा कैसे लग रहा है? मैं तो बहुत खुश हूँ, इधर तो इतनी बड़ी जगह है, इतने ज्यादा बच्चे हैं और इतने ज्यादा लोग हैं और सब आए हुए हैं। तो आप ये तो बताएं कि अपने बच्चों से तो बातें की होंगी, क्या आप प्रोफेसर साहब और मुदब्बिर भाई से मिले थे? जी बिल्कुल, ये कैसे हो सकता है मैं जलसे पे आऊं और अपने मुदब्बिर भाई से ना मिलूं? लेकिन हाँ, वो हमेशा की तरह बहुत ही मसरूफ थे। मैं तो अपने सफर के बाद जलसा को खूब एंजॉय कर रहा हूँ और मुदब्बिर भाई के साथ साथ प्रोफेसर भोला भी एमटी में ही ड्यूटी कर रहे थे, उनसे भी मिलके बहुत ही अच्छा लगा। डॉक्टर बबलू, बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि क्या आप अपने घर वापस नहीं आएंगे? प्रोफेसर साहब के आपके मकान में पक्के किराएदार हो गए हैं, कि है कोई खुशखबरी? आप सब बच्चों को बता सकते हैं कि इंशाल्लाह बच्चों की दुनिया सीजन 3 में मैं फिर बच्चों से मिलूंगा और उनसे खूब बातें करूंगा। चले अब इधर कुछ ही देर में जलसे का भी प्रोग्राम शुरू होने वाला है, मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज। अरे वाह, डॉक्टर बबलू जाते जाते हमें ये भी बता गए कि वो बच्चों की दुनिया सीजन 3 में वापस आ रहे हैं। अरे वो तो आपने सुन ही लिया, लेकिन वो ये भी बता रहे थे कि जलसा का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, हमें भी अब बच्चों से इजाजत लेनी चाहिए। तो बच्चों, YouTube पे हमें जरूर फॉलो करना और अपनी अम्मी और अबू से कह के एक दफा सीजन 1 और सीजन 2 फिर से देख लेना। हम चलते हैं, आप सबको हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। दुनिया है ये बच्चों की, है बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आके खोलो, पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो, इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी।
शुक्रिया सलमान, शुक्रिया इकरा, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया आपने और डॉक्टर बबलू से मिलके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी उनसे फिर से बैठ के अच्छी अच्छी बातें करनी है, उनके पूरे यूरोप का सफ़र के बारे में पूछना है, इतना तो टाइम ही नहीं मिला अभी। नमान, अब हम जानते हैं कि जलसा सालाना के दूसरे इजलास का वक्त हुआ चाहता है, बहुत करीब आ गया है। इंशाल्लाह अभी जलसे का इजलास शुरू होगा और आप जानते हैं कि हुजूर अनवर यदुल्लाह ताला बिन नसरुल अजीज का खिताब 10:30 बजे GMT वक्त के मुताबिक शुरू होगा इंशाल्लाह। Jazakallah Mudabbir. Traditionally, dear viewers, this Saturday is all about the Lajna e Maila and their purpose, their objectives, and also their initiatives. And this day culminates into Hazur's address to the Jalsaga, this time delivered virtually from the Masroor Hall in the UK. But as per tradition, Saturday also starts with a second session, a first session of the day, and the second session, generally speaking, of the Jalsa proceedings, which will commence in a few moments. And then at 8:30 GMT to be precise, which will be followed and culminate actually the highlight of today, Hazur's speech at 10:30 GMT, where he will inshallah address also the attendees of the Jalsaga, Jalsa Salana, and focusing on the ladies. And then we have also a third session in a store, which will be commence or start at 3:30 GMT. And in between, obviously, we have prepared a lot of interesting documentaries, reports, and studio sessions for you. And speaking of sessions, the second session and the first session of today is about to commence. And I understand our brothers Farhad Ghaffar Sahib and Nasir Mahmood are already in the main marquee, waiting for the session to start. So let's have a look. Assalamu alaikum, Nasir. You are in the green area, I see. Just as you said, Farhad Sahib and I are here. We will meet Farhad Sahib shortly. We are in the main marquee, as you've already said. The highlight, inshallah, will be Hazur's address. But before that, there will be other addresses as well. And we are looking forward to the start of the second session, the first session of today. And you can see that the attendees have already come into the main marquee. They are filling this hall, this main marquee, actually. And they are also looking forward to the addresses and obviously Hazur's address to us. Assalamu alaikum, Farhad Sahib. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन इकराम, जैसे कि अभी नासिर साहब ने बताया कि जो दूसरा सेशन है और आज के दिन का पहला सेशन, वो इंशाल्लाह ताला अभी थोड़े ही लम्हात में शुरू होने वाला है। अभी तकरीबन 2 घंटे रहते हैं हुज़ूर अक़दस अय्यदुल्लाह ताला बिनसरी के खिताब तक, और तब तक फिर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।